सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और मैं आप लोग का दोस्त और चैनल का होस्ट फ्रांतो। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गाइस फौजी गेम की लेटेस्ट डिटेल्स के बारे में। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये जो गेम है फौजी वो दिसंबर 2020 के अंदर भी जो है वो रिलीज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक के ध्यान से देखते रहना। वीडियो कमाल का तो करने की मैं कोशिश करूंगा ही, जल्दी से कर दो आप लोग वीडियो को लाइक, और चैनल के ऊपर नए हो तो अब भी के अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों देखो सबसे पहले तो जो है ना मैं आप लोग बताता हूँ यहाँ पे मार्केट की न्यूज के बारे में। तो दोस्तों पहले तो अगर बात करें यहाँ पे डेवलपर्स की, जैसे कि एनकोर गेम्स के जो डायरेक्टर है विशाल गोंडाल, तो उन्होंने क्या बताया हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि जो फौजी गेम है वो अपने को कमिंग सून के अंदर देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। अब कमिंग सून बोले तो बहुत जल्द मतलब देखने के लिए गेम मिल सकता है अपने को, ठीक है। ये एक न्यूज है यहाँ पे। दूसरी न्यूज दोस्तों निकल करके आती है यहाँ पे वेबसाइट्स की तरफ से। अब वो लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये जो गेम है वो अपने को दिसंबर के एंड में जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है गाइस। ये वेबसाइट्स के ऊपर यानी कि रूमर्स और लीक्स के अंदर निकल निकल कर यहाँ पे बातें आ रही है, ठीक है। तो बस यही दो न्यूज है दोस्तों जो कि भी मार्केट के अंदर चल रही है फौजी गेम को लेकर के। अब इसी को लेकर के यहाँ पे काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई दिसंबर में आ जाएगा, आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे कि अपन लोगों को ये समझना है यहाँ पे कि जो दिसंबर का ये महीना है इसके अंदर अपने को 95% जो फौजी गेम है वो देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। मतलब कि मैं भी जो है वो इस बात से सहमत ही हूँ कि भाई दिसंबर के अंदर अपने को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये लोग अक्टूबर से खींच रहे हैं गेम को, और अब जाकर के दिसंबर के अंदर विशाल गोंडाल ने उनके इंटरव्यू के अंदर ऑफिशियली ये बोला था कि भाई जो है वो कमिंग सून मतलब के दिसंबर के एंड तक के अपने को ये जो गेम है वो देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। यानी कि मोस्ट ऑफ द चांसेस है उसके रिलीज होने के, 95% आप लोग चांसेस यहाँ पे पकड़ करके चलिए कि गेम आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ओके दिसंबर के अंदर यानी कि मिल सकता है। अभी दोस्तों ये तो मैंने आप लोग बता दिया कि भाई अपने को देखना है कि ये जो गेम है वो रिलीज होता है या नहीं, और दिसंबर में इसके चांसेस तो है। चलो ठीक है, खैर उस बात को हम लोग अभी साइड में रखते हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ, और वो ये है कि देखो सपोज अगर 1% में भी ये जो फौजी गेम है वो दिसंबर में भी लॉन्च नहीं होता है, तो सीधा सीधा आप लोग एक बार पकड़ लेना यहाँ पे कि ये जो गेम है वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा 26 जनवरी 2021 के ऊपर। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो, अपने माइंड के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन पैदा मत कर लेना यहाँ पे। मैं आप लोग को ये बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर 1% के अंदर गेम लॉन्च नहीं होता है इस महीने के अंदर दिसंबर के अंदर फौजी, ठीक है, तो फिर डायरेक्टली ये अपने को देखने के लिए मिल सकता है 26 जनवरी 2021 को, ठीक है। और आप लोग को पता है कि 26 जनवरी को कौन सा दिन आता है, रिपब्लिक डे है, तो उसके दिन जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है फौजी अपना इंडियन गेम है तो वो रिलीज़ वहाँ पे हो सकता है अगर 1% में दिसंबर में रिलीज़ नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोग को खैर बता दिया कि अगर दिसंबर में नहीं आया तो अपन लोग 26 जनवरी को जो है पकड़ करके यहाँ पे चलना है, क्योंकि फिर वो लोग वही बोलेंगे कि जनवरी के एंड में आएगा, जनवरी में रिलीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, जैसे अभी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस टाइम के ऊपर भी ऐसी बातें चलेगी, लेकिन 26 जनवरी पे गेम होगा ही होगा लॉन्च, ऐसा यहाँ पे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ना यार फौजी गेम रिलीज हो ही जाना चाहिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि दिसंबर में लॉन्च हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है ना मैंने देखिए प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को क्या बोला था कि जो पबजी गेम है उसको पहले रिलीज होना चाहिए, बाद में अपना जो फौजी गेम है वो रिलीज होगा तो चलेगा, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो पबजी का है उसका बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, और पबजी का वीडियो मैं अभी थोड़ी टाइम के बाद में ही जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल के ऊपर बने रहना, उसकी भी लेटेस्ट डिटेल्स आप लोग आज के दिन ही मिलने वाली दोस्तों चैनल के ऊपर, बस कुछ ही देर में आप लोग को वीडियो उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पबजी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में गड़बड़ चल रहा है, मैं आप लोग को बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या हो रहा है अभी पबजी का, तो दोस्तों उसको तो बहुत ही ज़्यादा डिले होने वाला है अभी रिलीज होने के अंदर, तो इस पर से अब फौजी को तो यार इतना डिले ये लोग कर नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए गेम, वरना फिर लोगों का क्रेज़ यहाँ पे जो है वो खत्म हो जाएगा, तो इस पर से अब फौजी यार दिसंबर के अंदर रिलीज हो ही जाना चाहिए, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर यार मेरे को नहीं मालूम कि डेवलपर्स का क्या प्लान है और ये लोग क्या करेंगे आगे, फ्यूचर में भी इनका गेम चलेगा या नहीं चलेगा, खैर वो सब उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, इतने टाइम से घुमा रहे तो भाई अब तो गेम यहाँ पे दे ही देना चाहिए इन लोगों को, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग अभी दिसंबर में आता है या नहीं आता है, अगर नहीं आया 1% के अंदर तो 26 जनवरी तो यार आएगा ही आएगा, ठीक है।
तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, 4G के टॉपिक को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो। चैनल के ऊपर नए हो तो अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड्स। With the feelings.